में है वो एक चीज लिख के लाया हूँ और वो बताना चाहूंगा आपको। रविवार सोमवार मंगलवार हर वार में कोई ना कोई भगवान का दिन होता है, लेकिन एक वार और आता है उसे यदि सभी माने तो पूरा संसार का जीवन भी बदल जाएगा और भगवान का साथ भी मिलता रहेगा। उस वार को हम कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है और यदि परिवार सलामत है तो हर वार सलामत है। इस परिवार की एकता में इतनी ताकत होती है कोई भी किसी भी काम को सफल बना सकता है। परिवार भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है और इसे हमें सबको मान सम्मान के साथ संभाल के रखना चाहिए। और किसी को जो भी परिवार को ढंग से चलाता है, प्यार से चलाता है, कभी उसको उसके जिंदगी में तकलीफ नहीं आती। ये मैंने आपको इसलिए परिवार का एक दिया है कि क्योंकि ये रामलीला भी हमारा एक परिवार है जो 100 साल से हमने जोड़ के रखा हुआ है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जोड़ के रखा था और अब हम इसको जोड़ के रखे हुए हैं और हमारे जितने भाई हैं वो इसको बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से बड़े मान सम्मान के साथ प्यार से हम इस परिवार को चला रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पढ़ के बताया ये कि रामलीला में हम इसी को अपनाते हैं, इसी चीज को अपनाते हैं और हर परिवार को ये चीज अपनानी चाहिए। धन्यवाद। मैं भाई साहब सचदेव जी से कहूंगा कि आप आए और थोड़ा सा माइक को संभालें और अपना बच्चा सा मंच पर उपस्थित श्रीला कमेटी के चेयरमैन श्री सुरेश गोयल जी, अध्यक्ष धीरेन्द्र गुप्ता जी, हमारे साथी अशोक गोयल जी और हम सबके हरदिल अजीज, और मैं तो उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, श्रीमान सुनील किस्सर जी। मुझे लगता है उनके लिए ताली बजनी चाहिए। मेरे भाई इंदु दारा सिंह जी, बहुत ही होनहार कलाकार सिद्धार्थ बाबू, आप सुनील जी के सुपुत्र भी हैं और जिस प्ले की हम बात करने जा रहे हैं उसमें सीता का रोल जो अदा कर रही हैं ऐसी शिल्पा जी हमारे बीच है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जब मुझे धीरज जी ने कहा कि ऐसे एक हम जय श्री राम के नाम से मंचन करने जा रहे हैं नाटक दिल्ली में, तो मुझे पहले बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। फिर जब बताया कि धार्मिक लीला कमेटी को 100 साल होने जा रहे हैं इस वर्ष, तो मैंने उन्हें बधाई भी दी क्योंकि धीरज जी के पिताजी के साथ मैंने कई वर्ष काम किया लाला बंसल जी के साथ, और एक पिता के नाते जितना प्यार जितना स्नेह वो हम सबको देते रहे हैं वो मान सम्मान आज भी हमारे हृदय पर अंकित है, उसको हम भूल नहीं सकते। और अच्छी बात यह है कि धीरज जी ने उनके इस गुण को बड़ी आत्मीयता से चुरा भी लिया है और सबके साथ वैसा व्यवहार भी करते हैं। धार्मिक लीला कमेटी इसलिए भी जरूरी, मैं खुद क्योंकि चांदनी चौक का रहने वाला हूं और मेरा बचपन तो रामलीला में ही बीता है। कभी रामलीला मैदान में जाना तो कभी धार्मिक लीला कमेटी में जाना, बाद में जैसे रामलीला बढ़ती गई लाल किले पे एक की जगह 3 होने लगी, फिर लंदन मैदान में लगा। लेकिन जब भी धार्मिक लीला कमेटी में जाने का अवसर मिलता था तो लगता था हम किसी रॉयल जगह पर हैं, वहां की क्वालिटी और मंचन जो है, अगर आपको सही मायनों में राम की गाथा का मंचन देखना है तो वो आपको धार्मिक लीला कमेटी में मिलेगा, कहीं फुहरता नहीं है उसमें, आज भी नहीं है। जब मुझे धीरज जी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक विषय है तो मैंने कहा मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूं लेकिन क्योंकि धर्म से हम सब लोग सीधा सीधा जुड़े हुए हैं और भगवान श्री राम का काज जहां होगा वहां हम तो रुके नहीं सकते, तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा जताई कि आप उसमें लगिए और देर से जो होगा मैं करूंगा। और जब मैंने इस नाट्य मंचन का पुनीत जी से जिक्र किया और पुनीत जी ने मुझे बताया जय श्री राम, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं पुनीत जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप एक कलाकार के रूप में इनको देखते हैं,
इन्होंने अपने अभिनय का लोहा सब जगह मनवाया है, लेकिन मैंने इनका महाभारत नाटक भी देखा है। और श्री राम के बारे में जो कल्पना, जय श्री राम जो नाट्य मंचन है, 3 घंटे के इस मंचन में हम पूरी रामायण को सामने देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने सुना है, दिल्ली शहर में इससे ज्यादा डिजिटल, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर, इससे बढ़िया साउंड ट्रैक आज तक नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं और राम के काम में हम सबको लगना ही होता है, लगना ही चाहिए। और जब इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा एक राम भक्त के रूप में भी और पार्टी अध्यक्ष के नाते भी, ये पूरा संगठन हम इस काम में लगेंगे, आप हमें काम बताते रहिए, हम तो इसे राम का काम समझ के करने वाले हैं। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पुनीत जी को हम बचपन से देखते हैं, वो खासतौर से वो पुली वाला सीन तो भूलते नहीं है पुनीत जी, वो पिक्चर इसलिए भी देखने जाते थे कि वो सीन देखना होता था। और आज भी हाथ मिलाता हूं तो लगता है कि कहीं लगने जाएगा किसी, लेकिन पुनीत जी ने मेहनत बहुत की है। और बिंदु जी से भी अभी मैं बात कर रहा था कि बिंदु जी को देखता हूँ, बात करता हूँ, लगातार फोन पे भी बात होती है, तो अक्सर पापा जी की याद आती है। और अच्छा यह है कि मैंने उनके साथ भी काम किया, और जितना स्नेह वो देते थे तो आज भी लगता है कि वो ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि तुम लोग अच्छा काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ। और इसमें इस मंचन में बिंदु भी हैं, पुनीत जी भी हैं, सिद्धार्थ भी हैं, शिल्पा जी भी हैं, और भी अन्य कलाकार हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये नाट्य मंचन तो अच्छा होगा ही, क्योंकि तो जितनी तैयारी आप लोगों ने की और जो मैंने आपके थोड़े से विजुअल देखे हैं, उससे तो उसकी भव्यता का अंदाजा होता है। मुझे लगता है चलाएंगे पीछे, तो वो एक बार जो मेरे मीडिया के मित्र हैं उससे अलग अलग पूछ रहे थे, रामलीला से आपका क्या लेना देना, बैठे हैं पीछे, अब नाम ही ले रहा हूं। तो मैंने कहा उनसे, मैं कहा राम मेरे आराध्य हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि राम के काज में हम सबको जुड़ना ही है, और आपसे भी मेरा अनुरोध है, ये नाट्य मंचन सिर्फ नाट्य मंचन नहीं है, ये पूरी संस्कृति है, पूरा धर्म है, जिसको हम सबको आत्मसात करना है, और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ये एक शो जो हम दिल्ली में करेंगे, सिर्फ फोर्ट में कर रहे हैं ना, वो एक शो होने के बाद दिल्ली के हर कोने से आवाज आनी चाहिए कि ये मंचन तो हर जगह होना है, पूरे हिंदुस्तान में होना है। तो इस विषय को लेकर हम सब नीचे जाएंगे, और मैं एक बार पुनीत जी के लिए और बिंदु जी के लिए खासतौर से, कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह में, कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह में, पर हिम्मत वालों के लिए कोई राह मुश्किल नहीं होती। तो ये ऐसे कलाकार हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी प्रतिभा का लोहा मैंने तो माना है, कई बार आप लोगों ने भी देखा ही है। और लगातार मैं एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, जिस काम में आप लगे हैं उसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने कहा वो प्रभु राम का काम है, और हम सब उस मंचन को देखेंगे भी, उसका आनंद भी उठाएंगे, और लगातार इस भगवान राम के काम में हम सब लोग जुटे रहें। इसके साथ साथ आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।